जम्मू के भटिंडी इलाके में सुबह सुबह अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर रोहिंग्या शरणार्थियों का सैलाब उमड़ आया। एक अनजाने डर से रोहिंग्या शरणार्थियों ने अपनी बस्तियों को खाली कर दिया और फिर परिवार और सामान के साथ सड़कों पर आ गए, जिसके बाद प्रशासन फौरन एक्शन में आया और वहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। सड़कों पर उमड़े रोहिंग्या शरणार्थियों की इस भागम भाग की वजह है जम्मू में प्रशासन का वो हाई वोल्टेज एक्शन, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बड़ी कार्रवाई का आगाज हुआ। एक एक कर रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के अंदर लाने का सिलसिला शुरू हो गया। ये सारी कवायद रोहिंग्या मुसलमानों की बायोमेट्रिक जानकारी और दूसरी डिटेल जुटाने के लिए शुरू हुई, ताकि गैर कानूनी रूप से जम्मू में रह रहे रोहिंग्याओं की शिनाख्त की जा सके। लेकिन शनिवार से शुरू हुए वेरिफिकेशन कैंप के आगाज का साइड इफेक्ट ये हुआ कि रविवार की सुबह जम्मू की सड़कों पर रोहिंग्या शरणार्थियों का हुजूम उमड़ आया। अपने झुग्गियों से यहाँ पर निकल गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह की आबादी जो है वो यहाँ पर रोहिंग्यास की है, और बड़ी तादाद में ये जो रोहिंग्यास हैं वो यहाँ से अब निकल गए हैं। उनका ये कहना है कि जो जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार पीछे रह गए हैं। ऐसे में अगर सरकार उन्हें यहाँ से भेजना भी चाहती है तो उनके सारे परिवार को यहाँ से ले जाए। वेरिफिकेशन का काम जो है वो MAM स्टेडियम में लगातार यहाँ पर चल रहा है, और जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और जो इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना जो है वो यहाँ पर पुलिस ने शुरू भी कर दिया है। हमारा अगर देश शांत हो गया हम जा सकते हैं। हमको पता जब हम वहाँ पे जाएंगे हमको मार दिया जाएगा। आगे क्या हुआ वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन एक्शन मोड में क्यों आया। जम्मू में 30 स्थानों पर रोहिंग्या शरणार्थियों के ठिकाने हैं। कई रोहिंग्या आपराधिक मामलों में भी शामिल रहे हैं। करीब 50 रोहिंग्याओं पर अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अवैध रूप से सीमा पार करने का मुकदमा भी चल रहा है। इनके पाकिस्तान की ISI, आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और कट्टर अलगाववादी संगठनों से गठजोड़ की भी आशंका जताई जाती रही है। लिहाजा प्रशासन ने गैर कानूनी तरीके से जम्मू में रह रहे रोहिंग्याओं की धरपकड़ के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया। उनके वेरिफिकेशन के साथ ही दस्तावेज खंगालने शुरू किए और फिर करीब 155 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार कर उन्हें हीरानगर जेल में बने डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। बस फिर क्या था, जम्मू के रोहिंग्या शरणार्थियों की आधा दर्जन बस्तियों में हड़कंप मच गया और भागम भाग शुरू हो गई। 155 इलीगल रोहिंग्या माइग्रेंट्स जो थे उनको डिटेन करके यहाँ पर होल्डिंग सेंटर जो है वो भेज दिया गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरी खबर फैली है उसके बाद जितने भी रोहिंग्या यहाँ पर जम्मू के भटिंडी इलाके में रहते हैं वो यहाँ पर सारे इकट्ठे हो गए हैं और सामान लेकर वो यहाँ से निकल गए हैं, और उनका ये कहना है कि वो यहाँ से दिल्ली जो है वो यहाँ पर जाएंगे और UN का जो दफ्तर है वहाँ पर जाकर वो गुहार जो है वो लगाएंगे। फिलहाल पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि इनको उन्हीं के घर में जहाँ ये लोग रह रहे थे झुग्गियों में वहाँ पर वापस भेजा जाए। रविवार सुबह से ही इन सभी बस्तियों में सन्नाटा पसरा था और लोग अपना सामान समेट कर एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। इन परिवारों का दावा है कि वो अपने देश में बुरे हालातों से डरकर जम्मू कश्मीर में शरण लेकर बैठे थे, लेकिन जिस तरह से इन परिवारों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे वो डरे हुए हैं, और ये परिवार मांग कर रहे हैं कि जम्मू में रहने वाले सभी ऐसे परिवारों को एक साथ ही वापस भेजा जाए। वेरिफिकेशन हो गया था, कल हुआ था, कल होने का बाद वहाँ से 250 बंदा हम गया था, जाने का बाद वहाँ से 20-50 बंदा छोड़ दिया, बाकी लोग को सांबा जो जेल है जेल में डाल दिया था। जो किसी का माँ गया था जेल में, किसी का बाप गया, बच्चा रह गया था, किसी का फौरीमा से एक गया, तीन इधर रह गया था। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या हैं। इनमें से 10,000 तो जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हैं, बाकी दिल्ली, आगरा, अगरतला, कोलकाता समेत बंगाल, बिहार और असम के कई स्थानों पर डेरा डाले हैं। सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए देश से निकालना चाहती है। जम्मू कश्मीर में पहला रोहिंग्या साल 1994 में आया था। पहला रोहिंग्या आने के बाद जम्मू में बसा। इसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या शहर के बाहरी इलाकों में बढ़ती गई। अस्थायी आशियाने भी बना डाले। यहाँ रहने वाले रोहिंग्या मजदूरी कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, कई ऑटो भी चलाते हैं।
कई रोहिंग्याओं ने तो कारोबार भी शुरू कर दिया है और इनमें मछली का कारोबार मुख्य रूप से है। जम्मू के भटिंडी इलाके में इन रोहिंग्याओं ने बर्मा मार्केट भी बना लिया, जहां दुकानें लगाकर ये अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की ताजा पड़ताल में एक और खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थी खुद ब खुद नहीं गए थे, बल्कि उन्हें एक साजिश के तहत लाकर बसाया गया और इसके लिए कुछ एनजीओ का सहारा लिया गया, जिनके तार पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से जुड़े बताए जा रहे हैं। साजिश कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन एनजीओ को यूएई और पाकिस्तान से हवाला के मार्फत फंडिंग होने के सबूत भी मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिंग्या शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर में लाकर बसाने में एक साफ पैटर्न देखा जा सकता है। जम्मू में अब तक 2513 रोहिंग्या परिवारों को लाकर बसाया जा चुका है। इसमें कुल 5514 लोग हैं। कश्मीर घाटी में एक भी रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है। जम्मू में बसाए गए ज्यादातर रोहिंग्या शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल के मालदा और आसपास के जिलों में शरणार्थी शिविरों से लाया गया। इन शरणार्थियों को जानबूझकर सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील स्थानों के पास बसाया गया। सुंजवा में सैन्य प्रतिष्ठान से कुछ दूरी पर 48 रोहिंग्या परिवारों के 206 लोग, जबकि नगरोटा में सोलह कोर मुख्यालय के इलाके में करीब 250 रोहिंग्या रहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तेजी से रोहिंग्या मुसलमानों का वेरिफिकेशन शुरू किया और फिर 155 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार कर हीरानगर में डिटेंशन सेंटर भेजा, वो सिग्नल दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी कह रही है कि ऐसे प्रवासियों की पहचान की कार्रवाई अभी जारी रहेगी। डिटेंशन सेंटर में इन्हें भेजने के बाद ये पता लगाया जाएगा कि वो किस देश के हैं। राष्ट्रीयता की जांच पूरी होने के बाद इन अवैध अप्रवासियों को उनके देश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गृह मंत्रालय को अलग अलग जगह से कई ऐसी जानकारियां मिली थी कि इन रोहिंग्याओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड या फिर वोटर आई कार्ड बनवाने की कोशिश की है और कई ने बनवा भी लिए हैं। ये स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और इसी वजह से गृह मंत्रालय की कवायद है ताकि तमाम रोहिंग्याओं के बारे में पूरी जानकारी गृह मंत्रालय के पास हो। पर गृह मंत्रालय का ये भी प्लान है कि उन रोहिंग्याओं को या तो दूर डिटेंशन सेंटर में अलग रखा जाए या फिर उनको वापस भेजा जाए। रोहिंग्या सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस के राडार पर ही नहीं है। यूपी पुलिस की एटीएस टीम ने भी 1 मार्च को 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया, जो रोहिंग्या की भारत में घुसपैठ कराते थे और फिर फर्जी दस्तावेजों के सहारे उन्हें भारतीय नागरिकता दिलाने का धंधा करते थे। एक आरोपी शाहिद को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया, तो वहीं दूसरे आरोपी उसके भाई फारूख उर्फ हसन को नोएडा के परी चौक से गिरफ्तार किया गया। म्यांमार निवासी रोहिंग्यों का गिरोह रोहिंग्यों को बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से भारत लाता है तथा उनका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी में पंजीकरण कराकर देश और प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थापित करता है। यूपी के मुरादाबाद के रुस्तमपुर तिगरी में भी अवैध रूप से आए एक दर्जन से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों का वोटर आई कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। गांव के लोगों को शक हुआ तो शिकायत दर्ज कराई गई और शुरुआती जांच में कुछ हैरान करने वाले सच सामने आए। रोहिंग्या मुसलमान भारत में किस तरह एंट्री कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार यूपी से खुलासे हो रहे हैं। अलीगढ़ से अजीजुल हक नाम का एक शख्स पकड़ा गया तो कानपुर से 2 रोहिंग्या मुसलमान धरे गए। वहीं उन्नाव में भी एक संदिग्ध रोहिंग्या परिवार पकड़ा गया। अजीजुल हक पर आरोप है कि ये रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें देश में एंट्री दिलवाता था और फिर उनके लिए आधार और वोटर कार्ड का इंतजाम करता था। तो कानपुर में पकड़े गए 2 रोहिंग्या मुसलमान एक बांग्लादेशी लड़की को किडनैप कर लाए थे। इन लोगों के पास न पासपोर्ट था और न वीजा। उन्नाव में पकड़े गए लोगों के पास 8 जाली पासपोर्ट और कई बैंक खातों की जानकारी मिली है। अलीगढ़ और कानपुर की वारदातों से साफ है कि देश के अंदर ऐसे रैकेट चल रहे हैं जिनका मकसद रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में लाना है। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में एंट्री दिलाने वाले रैकेट बॉर्डर से ही एक्टिव हो जाते हैं। खुफिया रास्तों, नदी नालों से इन्हें भारत में घुसाया जाता है और फिर स्थानीय मदद से इन्हें अलग अलग राज्यों में सेटल कराया जाता है। उन्नाव के मामले में खुलासा हुआ है कि ये लोग जब भारत में आए तो अलीगढ़ के एक बूचड़खाने में इन्होंने काम किया। अलीगढ़ से ये लोग उन्नाव पहुँचे। इनका हरियाणा के नूह से भी कनेक्शन होने की बात सामने आई है। इस तरह से अलग अलग राज्यों में मूवमेंट
बताता है कि एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं घुसपैठ के वो रास्ते जहां से रोहिंग्या मुसलमान अवैध तरीके से भारत में दाखिल हो रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक साल 2017-18 में रोहिंग्याओं ने बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में घुसपैठ की थी। यहां कुछ इस्लामिक संगठनों और एनजीओ की मदद से सीमावर्ती उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में अवैध शरणार्थी शिविरों में पनाह ली थी। इसमें बारुईपुर, भांगड़, कैनिंग, बशीरहाट, घुटियारी शरीफ और बासंती समेत कई जगह हैं, जहां न सिर्फ रोहिंग्याओं ने पनाह ली बल्कि वे दिहाड़ी मजदूरी और जीवन यापन करने लगे। मिजोरम के रास्ते भी देश में बड़ी संख्या में रोहिंग्या दाखिल हो रहे हैं। शरणार्थी की शक्ल में कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ते जा रहे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भारत और बांग्लादेश में भी विवाद पैदा हो गया है। दरअसल भारत में रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के जरिए आए थे तो भारत चाहता है कि बांग्लादेश इन रोहिंग्या मुसलमानों को वापस ले। दूसरी तरफ बांग्लादेश चाहता है कि इनका डिपोर्टेशन हो तो सीधे म्यांमार, ना कि बांग्लादेश के जरिए। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की अगली बांग्लादेश यात्रा के दौरान ये मुद्दा उठाया जा सकता है। रोहिंग्या मुसलमानों का म्यांमार का अतीत रक्तरंजित है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जमातुल मुजाहिदीन ने बांग्लादेश की हरिनमारा की पहाड़ियों में रोहिंग्या मुसलमानों को बड़ी तादाद में ट्रेनिंग देने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर नेपाल की सीमा के पास भी करीब 400 रोहिंग्या बसाए जा चुके हैं और नेपाल के जिहादी गुट इन रोहिंग्या रिफ्यूजी को नेपाल में बसाने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। लिहाजा देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। रोहिंग्याओं की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। भारत में रोहिंग्याओं के खिलाफ हुई कार्रवाइयों पर नजर डालें तो 13 जनवरी को बांग्लादेश के एक शिविर से फरार 10 रोहिंग्या मुसलमानों को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। ये सभी लोग बांग्लादेश के कॉकस बाजार स्थित कुटु पालंग शिविर से फरार हुए थे। हाल ही में यूपी के खलीलाबाद से एक रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया जो बीते 20 सालों से अवैध तरीके से यहां रह रहा था। अजीजुल हक नाम के इस रोहिंग्या के पास से 2 भारतीय पासपोर्ट, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 3 डेबिट कार्ड, राशन कार्ड और 5 बैंकों की पासबुक मिली। यूपी में अभी तक 1600 रोहिंग्याओं को चिन्हित किया गया है जिनकी तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में भी 2 रोहिंग्या पकड़े गए। इनमें से एक नरवाल की एक मस्जिद में मौलवी बनकर रह रहा था। जम्मू से गिरफ्तार रोहिंग्याओं के पास से पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट बरामद किया जिसने पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा दी। लिहाजा जम्मू कश्मीर पुलिस ने नए सिरे से रोहिंग्याओं की कुंडली खंगालने का काम शुरू किया है। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा खतरा यहीं तक सीमित नहीं है। मलेशिया का रोहिंग्या आतंकी संगठन तो भारत पर हमले की फिराक में है। दिसंबर 2020 में भारत पर हमले का खुफिया इनपुट मिला था। इसके लिए म्यांमार में एक महिला आतंकी को ट्रेनिंग दी गई। खुफिया एजेंसियों को $2,00,000 के ट्रांजैक्शन का पता चला था जिनका संबंध फरार इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक से बताया गया। मलेशिया की सरकार पर म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकी गुट अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी की मदद करने का आरोप लगता रहा है। हालांकि मलेशिया की सरकार ने इससे इनकार किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जानकार मानते हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथी जहां जहां मौजूद है वहां से अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी को हथियार और फंडिंग मिलती रही है। खासकर रोहिंग्या मुसलमानों का पाकिस्तान कनेक्शन भारत के लिए बड़ी फिक्र का सबब रहा है। अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी का सरगना अताउल्ला पाकिस्तान के कराची का है। इसने सऊदी अरब में मजहबी तालीम ली जिसके बाद यह पाकिस्तान लौटा और तालिबान से इसने आतंकी हमलों की ट्रेनिंग ली। माना जाता है कि अताउल्ला के रखाइन पहुंचने के बाद से लगातार रोहिंग्या मुसलमानों का तालिबान से ट्रेनिंग लेने का सिलसिला जारी है। अताउल्ला कितना खूंखार और बेरहम आतंकी है ये साल 2017 में सामने आया जब अताउल्ला के आदेश पर रोहिंग्या आतंकियों ने एक बौद्ध गांव पर हमला कर दिया और इस हमले में 71 लोगों की मौत हो गई थी। अताउल्ला का पाकिस्तान कनेक्शन भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए खतरा साबित हो सकता है। अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी के कदम अभी रखाइन में ही हैं, लेकिन अगर इसकी ताकत बढ़ी तो ये पहले बांग्लादेश और फिर भारत के पूर्वोत्तर तक पहुंच सकते हैं। अगर इन्हें पाकिस्तान की सरपरस्ती हासिल है तो टारगेट दो ही हैं, इंडिया और बांग्लादेश। टीम न्यूज़ नेशन।